हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोराड एमएस एकेडमी। ट्रिक नंबर 7 के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ट्रिक नंबर 7 में हमें फाइंड आउट करना है एरिया बिटवीन दी सर्कल। सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। क्या होता है स्टैंडर्ड सर्कल? स्टैंडर्ड सर्कल होता है उसका सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू ए, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। एंड लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। यहाँ पर इन दोनों में क्या कनेक्शन दिखाई दे रहा है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि इसका रेडियस ए, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए दिया है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो भी ए होना चाहिए। तब इन दोनों के बीच का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको। ए स्क्वायर बाय फोर इन ब्रैकेट पाई माइनस टू, बस इतना कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में। ओके, तो ये ट्रिक कैसे वर्क करती है, कैसे यूज होती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर चार प्रॉब्लम है आपके सामने, प्रॉब्लम नंबर टू एंड प्रॉब्लम नंबर थ्री मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर टू क्या है? यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, ये सर्कल का इक्वेशन है, एंड x प्लस वाई इक्वल टू टू, ये लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह कौन सी वैल्यू है? फोर। ए स्क्वायर इक्वल टू अगर फोर होगा डेफिनेटली ए इक्वल टू क्या होगा? टू। और वहां पर x प्लस वाई इक्वल टू टू, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू ए की जगह x प्लस वाई इक्वल टू टू ए, यानी कि यहाँ पर भी ए इक्वल टू टू, दोनों तरफ ए की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ओके, ए अगर मुझे मिल गया तो रिक्वायर्ड एरिया मिलने में आसानी होगी। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर करना है, यानी कि टू स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय फोर है, ब्रैकेट में है पाई माइनस टू। आप सभी को बताया टू स्क्वायर होता है फोर, डिवाइड बाय फोर इन ब्रैकेट पाई माइनस टू, फोर फोर विल गेट कैंसल, फाइनल आंसर होगा पाई माइनस टू स्क्वायर यूनिट्स, ये होगा आपका लास्ट आंसर। ओके, उसी तरह से एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, प्रॉब्लम नंबर थ्री। प्रॉब्लम नंबर थ्री में क्या बताया बच्चों? यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 है, इक्वल टू 36 है, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 36। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ए इक्वल टू आएगा 6। उसी तरह से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यानी कि यहाँ पर भी ए इक्वल टू 6, ये दोनों सेम ही आएगा बच्चों, तभी ये ट्रिक यूज होगी। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर का मतलब होता है 6 स्क्वायर 36, डिवाइड बाय होगा 4, इन ब्रैकेट आएगा पाई माइनस 2। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, 4 से 36 को डिवाइड कर दो, 4 9 आर 36, सो 9 इन ब्रैकेट पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, याद रहने में भी बहुत इजी है। a square upon 4 in bracket pi minus 2। ओके, इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 4 आप ट्राई करो, उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।